चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी है। एक बार फिर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव पर तंज कसा गया है। पोस्टर जारी कर लिखा गया है कि इस प्रत्याशी को हर तरफ कोयला दिखाई देता है। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से पोस्टर वॉर देखने को मिला। हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी पोस्टर्स के जरिए निशाना साधती हुई कांग्रेस के प्रत्याशियों पर नजर आ रही है। एक बार फिर से बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर जारी किया है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव पर तंज कसा गया है। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजेश निषाद इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, देवेंद्र यादव जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन पर तंज कसा गया है पोस्टर के जरिए। अब इस पोस्टर वाली जो राजनीति छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है, जब से लोकसभा चुनावों की जो चर्चा है, जो सरगर्मी है, वो बढ़ गई है। लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को आड़े हाथों बीजेपी ले रही है, वो भी पोस्टर्स के जरिए। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, बीजेपी लगातार तमाम कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके कहीं ना कहीं जो कार्टून हैं वो जारी कर रही है। पोस्टर वार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। हर एक प्रत्याशी के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ चंद लाइनें लिख करके बीजेपी की ओर से पोस्टर जारी किया जा रहा है। अब देखिए, देवेंद्र यादव है, बिलासपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस से, उनका एक पोस्टर जारी किया गया और उस पर लिखा गया है कि बिलासपुर वालों संभल जाएं, चूंकि कोयला चोर की नज़र अब कहीं ना कहीं बिलासपुर में है। चूंकि कोयला की जो बात है वो लगातार हो रही है। चूंकि देखिए, उस पर लिखा गया है कि इस कांग्रेस प्रत्याशी को हर तरफ कोयला ही कोयला दिख रहा है। इसके साथ साथ जो तस्वीर, जो कार्टून जो उकेरा गया है, उसमें भी कुछ तंज कसा गया है, जिसपे सीधे तौर पे लिखा गया है अरे तुम तो चुरा के भाग रहे हो, वो कोयला नहीं बल्कि सिंघाड़ा है। इस तरह के जो तंस हैं वो कहीं ना कहीं कसे जा रहे हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं पोस्टर वार किया, पोस्टर के जरिए कहीं ना कहीं संदेश भेजने की जो कोशिश है वो की गई थी। और साथ साथ चाहे जांजगीर चांपा के जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं पोस्टर वार किया था। तो इस तरह से लगातार बीजेपी की ओर से पोस्टर वार का जो अभियान है वो जारी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को तंज कसने की जो कोशिश है वो की जा रही है। ठीक है राजेश, जाहिर तौर पर इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी, क्योंकि आप नजर बनाकर रखिए। लौटेंगे आपके पास, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।